अब तक आपने पिछली दो वीडियोस के माध्यम से जाना कि आप अपनी सांसों में थोड़े से बदलाव करके अपने शरीर और मानसिक स्थिति को बदला जा सकता है। अगर आप सीधा सीधा अपने मन पर कंट्रोल करने चलेंगे तो आपका मन आपके वश में कभी नहीं होगा। कभी कभी आपकी भावनाएं, आपके मन के विचार आपको अधिक चिंतित कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मन में इस तरह के विचार ना आए। आपके भीतर से जो भावनाएं उठ रही हैं या जो नेगेटिविटी आ रही है, इन सबको कोई पसंद नहीं करता और आप इनसे दूर होना चाहते हैं। आप अपने मन की स्थिति को जितना ही बदलने का प्रयास करते हैं, आप जिस बारे में नहीं सोचना चाहते, सब कुछ उसके विपरीत होता है और जीत मन की ही होती है। असल में आप गलत चीज को छेड़ रहे होते हैं। अगर आप सीधे सीधे मन पर नियंत्रण करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। आपको केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण करना है और वो कैसे करना है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उस प्रयोग को करते ही आप तुरंत अपनी मनोदशा को बदल सकते हैं। आज हम अपनी सांसों को समझते हुए थोड़ा और गहरा उतरेंगे। आज हम सांसों के माध्यम से अलग आयाम की बात करेंगे। आज हम सूक्ष्मता की गहराइयों को छुएंगे। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों वाइब्रेशंस हैं जो किसी साधारण व्यक्ति को महसूस नहीं होती, आप उन्हें भी महसूस कर सकते हैं। जैसे आप अपनी इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं, आपको अपने पूरे जीवन में जितने भी अनुभव होते हैं या आगे कभी होंगे, इन सभी एक्सपीरियंसेस या कहूं अनुभवों का कारण आपकी केवल ये पांच इंद्रियां हैं। आपकी पहली इंद्री आपकी आंखें। आप इन आंखों से दृश्य देखते हैं। दृश्य को देखकर आप अपनी कुछ धारणा बना सकते हैं या आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं। आपकी भावनाओं में परिवर्तन होते हैं। तो आपके इतने अनुभव का माध्यम आपकी आंखें बनी। आपकी दूसरी इंद्री आपके कान। आप अपने कानों से जो सुनते हैं, कानों के माध्यम से आपके मन में काफी सारे परिवर्तन होते हैं। आप उसमें भी कुछ नए विचार बनाते हैं, एक सुनने का अनुभव लेते हैं। चाहे तो आप किसी की बातें सुन सकते हैं, किसी से अपनी तारीफ सुनते हैं, कोई आपको अपशब्द बोलता है या फिर आप कोई म्यूजिक सुनकर रिलैक्स महसूस करते हैं। हर एक प्रकार की ध्वनि आपको भीतर से अलग प्रकार से प्रभावित करती है। मतलब किसी के शब्दों की ध्वनि आपको अधिक क्रोधित भी कर सकती है और अत्यंत प्रसन्न भी कर सकती है। तो देखो, केवल ध्वनि ने आपके भीतर कितने परिवर्तन किए। इसी प्रकार से आपके हर एक इंद्री आपको सभी प्रकार के अनुभव देती है। लेकिन ऐसे बहुत से आयाम हैं, ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य हैं जिन्हें हमारी ये पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कुत्ता जो वो पकड़ सकता है, जो वो महसूस कर सकता है, वो मनुष्य नहीं कर पाता। एक कुत्ता सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेता है। उसकी सूंघने की शक्ति आपके सूंघने की शक्ति से बहुत अधिक होती है। एक बिल्ली जब वो रोती है तो उसके रोने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, या तो वो कुछ अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है जिसके कारण वह रोती है। एक गिद्ध जिसकी आंखें बहुत ऊंचाई से धरती पर मौजूद एक छोटे से जीव को भी देख लेती हैं, ये सब कुछ आप अपनी आंखों से नहीं कर सकते। बंदर और ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को पहले ही सेंस कर लेते हैं, जैसे भूकंप का आना, ग्रहण का लगना। इन सभी घटनाओं की वाइब्रेशंस को कुछ पक्षी और बंदर पकड़ लेते हैं और वो अपने बचाव के लिए घटना के होने से पहले ही छुप जाते हैं। इन सभी घटनाओं की वाइब्रेशंस को मनुष्य नहीं पकड़ सकता। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सी तरंगे हैं जिनको हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती, परंतु कुछ और जीव जंतु उन्हें पकड़ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर उन पशु पक्षियों की यह संभावना आपको मिल जाए तो आप एक सुपर ह्यूमन हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो चीज पशुओं से अलग बनाती है वो है आपकी बुद्धि। और हर एक जीव पशु पक्षी का सबका सांस लेने का पैटर्न अलग अलग होता है, इसलिए उन सब में अलग अलग संभावनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है, इसलिए वह सामान्य मनुष्य है।
अगर आप अपने भीतर कुछ अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो आपको अपनी सांसों की गिनती पर ध्यान देना होगा। आपकी सांसें जितनी कम होती चली जाएंगी, आपके भीतर उतनी ही विशेषताएं आती चली जाएंगी। अगर आप एक मिनट में अपनी सांसों की गिनती 8 तक ले आते हैं तो आपको पशुओं की वाइब्रेशन महसूस होने लगेगी। अगर आप अपनी सांसों की गिनती को 1 मिनट में 6 बार तक ले आते हैं तब आप ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हैं। आपके लिए कई सूक्ष्म आयामों के द्वार खुल जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, नाद या अनहद नाद। अंग्रेजी में इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को नहीं सुनाई देती, क्योंकि असल में यह वो ध्वनि नहीं जो किसी के टकराने से निकलती है, क्योंकि ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है, जहां घर्षण होगा, टकराव होगा, वहीं कंपन पैदा होगा, और जहां कंपन होगा वहीं ध्वनि निकलेगी। उस ध्वनि को हमारी इंद्री यानी हमारे कान सुन सकते हैं, परंतु हमारे भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं जो निष्क्रिय रहना पसंद करती हैं। अगर वो सक्रिय हो जाती हैं तो आप नाद की ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस मतलब जहां कोई घर्षण नहीं, कोई टकराव नहीं, फिर भी एक ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन है। वो आपके भीतर भी है और बाहर भी है। आमतौर पर साउंड ऑफ साइलेंस की ध्वनि हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता, और जिसने इसका अनुभव नहीं किया उसके लिए चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप यूं ही शांति से बैठ जाते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर की स्थिरता को चरम सीमा तक ले जाते हैं, देखिए जब आपका शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, शरीर के स्थिर होने के साथ साथ आपकी सांसें भी स्थिर होने लगती हैं, यानी आपकी सांसों की काउंटिंग, उसकी गिनती कम होने लगती है। आपके शरीर को अधिक सांसों की आवश्यकता जब पड़ती है, जब आपका शरीर ज्यादा मूवमेंट करता है, शरीर क्रिया करेगा तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। मगर ध्यान में, आप अपने शरीर की सभी मूवमेंट्स को रोक देते हैं, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं। जब धीरे धीरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता, आपकी सांसों की गिनती मिनट के हिसाब से कम होने लगती है। मतलब सामान्यतः आप एक मिनट में 12 से 14 बार सांस लेते हैं, परंतु जब आपका शरीर स्थिर हो जाता है तो यह सांसों की गिनती घटने लगती है। लेकिन फिर भी आपके शरीर का भीतरी मैकेनिज्म सूक्ष्म तल पर काम करता रहता है। जैसे आपके मन में विचार आना, वो भी ऊर्जा को खर्च करते हैं, तो उनके लिए भी सांसों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे फिर आपके विचार भी शांत होने लगते हैं। या तो आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और शरीर को केवल स्थिर करें और विचारों पर ध्यान ना दें, तब आपकी सांसों की गिनती और भी कम हो जाती है, या कहूं एक मिनट में 6 से कम आ जाती है। तब इस अवस्था में आपका शरीर शांत है, मन में विचार नहीं है, आपके आसपास चारों तरफ आप केवल एक सन्नाटे का अनुभव करते हैं। जब आपके बाहर और भीतर सब कुछ शांत हो जाता है, तब आपको स्वतः ही द साउंड ऑफ साइलेंस यानी अनहद नाद सुनाई देने लगता है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, जब आपकी सभी बाहरी इंद्रियां कोई भी क्रिया नहीं कर रही होती हैं, वह बिल्कुल शांत होती हैं। जब वह शांत हैं, तो वो ऊर्जा को भी खर्च नहीं कर रही। ऐसे में आपके भीतर मौजूद सूक्ष्म संभावनाएं या कहूं सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं और आप दूसरे आयामों का अनुभव करने लगते हैं। द साउंड ऑफ साइलेंस आपको सुनाई देने लगता है। ध्यान में गहरा उतरते उतरते आपके भीतर स्थिरता की एक ऐसी सीमा आती है जहां आपकी सांस लगभग नहीं होती, जहां आपका शरीर पूरी तरह से थम जाता है, मन में कोई विचार नहीं होता, सांसें भी लगभग रुक जाती हैं। और स्वामी रामा इसी स्थिति में आकर अपने शरीर के भीतरी सिस्टम को भी रोक देते थे। शरीर के भीतरी कार्य जैसे खून का बहना, दिल की धड़कन, इस अवस्था में इन सभी चीजों को अपनी इच्छा अनुसार रोका जा सकता है, जो कि आज के विज्ञान के लिए चुनौती है और साथ ही एक अनसुलझी पहेली भी। यही समाधि की अवस्था होती है। इस अवस्था में आने के बाद आप अनेकों आयामों के अनुभव कर सकते हैं।
और इन सब के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपनी सांसों को समझें। शुरुआत में अपनी सांसों को लंबा रखें। आपकी सांसें नाभि तक होनी चाहिए। जब आप इस तरह का प्रयास करते रहेंगे तो यह प्राकृतिक रूप से सध जाएगा। इसके बाद आप एक सामान्य व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे। और अगर आप ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को समझना चाहते हैं, प्रकृति की वाइब्रेशन को समझना चाहते हैं, पेड़ पौधों की भाषा को समझना चाहते हैं, जीव जंतुओं की भाषा को समझना चाहते हैं, इन सभी के मन के माध्यम से जो भी वाइब्रेशंस रिलीज होती है, आप इन सबके मतलब समझ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्थिरता की चरम सीमा को छूना होगा और अपने सांसों की गिनती को 1 मिनट में 6 से कम लाना होगा। और हाँ, एक जरूरी बात और, आपको अपनी सांसों की 1 मिनट में जो भी काउंटिंग है वो प्रयास रहित करनी है, एफर्टलेसली। मतलब ये प्राकृतिक रूप से चलनी चाहिए। अगर आप प्रयास करके अपनी सांसों को 1 मिनट में 6 बार लाते हैं या उससे भी कम में लाते हैं, तब आपको वो सुषुम्ता के अनुभव नहीं होंगे और आप प्राकृतिक और ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को नहीं समझ पाएंगे, अलग आयामों का अनुभव नहीं कर पाएंगे।